अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आपको पता है हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, हाउ सईदास ड्रीम केम ट्रू, सईदा की ये ख्वाब कैसे पूरा हुआ। आज इसका 5th पैराग्राफ है, तो पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट डे शी पोस्टेड हर स्टोरी एंड गॉट बिजी इन हर रूटीन वर्क। नेक्स्ट डे कहते हैं अगले दिन को, यानी उसने कहानी रात को कंप्लीट की और फिर उसको पोस्ट कर दिया। पोस्टेड कहते हैं डाक में भेजना। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह का लाल रंग का डिब्बा होता है, इसके अंदर खत डालते हैं, तो उसने कहानी लिखी, उसको लिफाफे में डाला और पोस्ट कर दिया। गॉट बिजी, मसरूफ हो जाना, यानी किसमें मसरूफ होगी, अपने रूटीन, रूटीन जो होती है, जो रोजमर्रा के कामकाज होते हैं उनको मामूल कहते हैं, मामूल रूटीन। वर्क कामकाज को कहते हैं, जाहिर है वो अपनी अम्मी के साथ घर में काम करती थी। अब इसका बाद मुहावरा तर्जुमा करते हैं, अगले दिन उसने अपनी कहानी को डाक के जरिए भेज दिया और अपने मामूल के कामों में मसरूफ हो गई। आपको चाहिए कि आप मेरे साथ इंग्लिश भी बोलें। आफ्टर अ फ्यू डेज शी इवन फॉरगॉट अबाउट द इवेंट When one day a team of educators approached her family, after कहते हैं बाद, यानी कुछ दिनों के बाद, after a few यानी चंद दिन गुजर गए, even कहते हैं हत्ता के, यानी के कुछ दिन गुजर गए, हत्ता के वो भूल भी गए कि उसने कोई कहानी लिखी थी। Forgot भूल जाना, और अबाउट मुतालिक के मुतालिक, यानी उसके जहन से बिल्कुल निकल गया कि उसने कोई काम भी किया था। इवेंट, इवेंट कहते हैं वकुआ को, किसी चीज के वाक्य होने को, यानी जो कहानी लिखने का वाक्य था। वेन, वेन कहते हैं जब, सवालिया निशान इसके साथ डालते हैं। टीम, टीम कहते हैं ग्रो को, आपने देखा होगा पोलियो की टीम भी घर में आती है जिसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं, तो एक से ज्यादा लोगों के ग्रुप को टीम कहते हैं। एजुकेटर्स मौलमीन या असातजा, आपके अभी मौलमीन से पढ़ते हैं, एजुकेटर्स से। अप्रोच्ड, अप्रोच प्रेजेंट टेंस है, अप्रोच पास्ट टेंस है, राबता करना। फैमिली खानदान, यानी घर में खानदान में अम्मी अब्बू और बहन भाई होते हैं। तो ये क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद, जबकि वो इस वाक्य को भूल चुकी थी, असातजा के एक ग्रोह ने उसके खानदान के साथ राबता किया। कौन सा वाक्य, कहानी लिखने का वाक्य, जो उसने एक प्राइस कंपटीशन में कहानी भेजी थी। लकीली सईदा गॉट द फर्स्ट प्राइज इन दैट कॉम्पिटिशन एंड हर स्टोरी वॉज सिलेक्टेड टू पब्लिश इन अ वेल नोन मैगजीन। लकीली कहते हैं खुशकिस्मती से, यानी बहुत सारे लोगों ने कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया होगा, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी कहानी को फर्स्ट प्राइज मिला, पहला इनाम मिला। सिलेक्टेड का मानी होता है मुंतखिब करना, यानी बहुत सी कहानियों में से जो असातजा थे उन्होंने उसकी कहानी को मुंतखिब किया। पब्लिश्ड, पब्लिश्ड कहते हैं शाया करने को। वेल नोन, जाना पहचाना, मशहूर। आपको पता है कि बच्चों कहानियां जो है वो मैगजीन्स में शाया की जाती हैं। मैगजीन का को जरीदा या रसाला भी कहते हैं। आप में से कुछ बच्चों को पता होगा नो निहाल एक रसाला या जरीदा है जो बच्चों की कहानियों के लिए मशहूर है, आप पढ़ा करें इसको। सईदा ने मुकाबले में पहला इनाम हासिल किया था और उसकी कहानी को एक मशहूर जरीदे ने शाया करने के लिए मुंतखिब किया था। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज भी आपको ट्रांसलेशन पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।